दोस्तों अक्सर बॉलीवुड में शादी के बाद स्टार्स अपनी फर्स्ट नाइट की बातें शेयर कर देते हैं और उन्हीं में से एक नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत की शादी भी सुर्खियों में बनी हुई है। दोस्तों नेहा कक्कड़ एक जानी मानी सिंगर और डांसर है जो कि आज पूरे बॉलीवुड पर छाई हुई है और लोग स्टार की तरह इनकी भी हर एक बात जानना चाहते हैं। नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत की शादी को लेकर बातें तो काफी पहले से चली आ रही है लेकिन आज फाइनली शादी हो ही गई। लेकिन आप उनकी शादी से लेकर मेहंदी तक के फोटो और वीडियो देख चुके होंगे लेकिन आज हम आपको उनकी सुहागरात के बारे में बताने वाले हैं क्योंकि शादी के बाद उनकी सुहागरात की ऐसी बातें सामने आई है जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आखिर कौन सी है वो बातें, जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको। दोस्तों नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत ने अपनी सुहागरात की ऐसी शर्मनाक बातें बताई हैं जिसे सुनकर आप भी पानी पानी हो जाएंगे। रोहन प्रीत और नेहा कक्कड़ एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। दोस्तों शादी के बाद हर स्टार का इंटरव्यू लिया जाता है, उसी तरह नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत से भी मीडिया द्वारा कुछ पर्सनल बातें पूछी गई तो उन्होंने जब जवाब दिया तो बड़े बड़े राज खुल गए। रोहन प्रीत ने अपने पहले किस से लेकर फर्स्ट नाइट की सारी बातें मीडिया के साथ शेयर की। जब रोहन प्रीत और नेहा से पूछा गया कि उनकी पहली किस कहां पर हुई तो उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए बताया कि उनकी पहली किस बालकनी में हुई थी। उसके बाद रोहन प्रीत से पूछा गया उन्होंने अपनी पहली डेट में क्या पहना था तो उन्होंने कहा कि ब्लू पैंट और ब्लैक टी शर्ट पहनकर आए थे। नेहा ने अपने बाल खुले रखे हुए थे, रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। जब इनसे पूछा गया कि आखिर इनकी पहली मुलाकात कहाँ हुई तो उन्होंने इसके पीछे की एक मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी बता दी। उन्होंने बताया कि उनकी पहली मुलाकात डिनर पार्टी में हुई थी और फिर उसके बाद नेहा कक्कड़ ने रोहन प्रीत को अपने घर पर बुलाया था और जब रोहन प्रीत वहां पर पहुंचे तो नेहा की माँ टीवी सीरियल देख रही थी। नेहा ने बताया उस वक्त हमने कई घंटों तक बातें की। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में उनकी कोई किस नहीं हो पाई जिसका उन्हें आज तक अफसोस रहता है। फिर उसके बाद तीसरी डेट पर रोहन प्रीत को समझ आ गया कि भगवान ने नेहा को उन्हीं के लिए बनाया है और नेहा कक्कड़ वो लड़की है जिससे वो शादी कर सकते हैं। फिर उसके बाद रोहन प्रीत ने नेहा कक्कड़ को उनकी बर्थडे पार्टी पर प्रपोज कर दिया और नेहा कक्कड़ ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और फिर कुछ समय बाद ये दोनों एक शादी के बंधन में बंध गए। नेहा कक्कड़ ने शादी के बाद ये बताया कि वो फर्स्ट नाइट को बेहद ज्यादा खुश थी और उनकी पूरी रात काफी खुश भरी माहौल में बीती। दोस्तों अगर आपको नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत की जोड़ी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही दोस्तों हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।